ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन में आज हम थर्ड डिजीज जो है पोल्ट्री की डिजीज हम पढ़ रहे थे, डिजीजेज ऑफ पोल्ट्री। तो उसमें रानीखेत डिजीज और मर्क्स डिजीज हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास पुलोरम डिजीज सिर्फ 5-6 ही जो डिजीजेज हैं पोल्ट्री की, और इनको डिफरेंशिएट वाइज इनके सिम्टम को आपने थोड़ा ढंग से देखें इनको। तो अब ये आता है हमारे पास पुलोरम डिजीज। तो हमने दोनों ये डिजीजेज, पहले मर्क्स डिजीज और रानीखेत डिजीज, ये वायरल डिजीज जो हमने पढ़ी थी, और ये पुलोरम डिजीज है ये है बैक्टीरियल डिजीज, ये भी ध्यान रखना, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो ये रोग जो है निम्न नामों से भी जाना जाता है, इसको बेसिलरी वाइट डायरिया BWD कहते हैं। ये भी आम जो है पाया जाने वाला रोग है चूजों, इनमें बर्ड्स में, पोल्ट्री फार्म में आपको ये जनरली मिलेगा कि जी सफ़ेद सफ़ेद बींट जो है कर रही है, और सफ़ेद जो है इसमें सूक्ष्म जीवी सफ़ेद दस्त के भी नाम से इसको जानते हैं, सूक्ष्म जीवी बैक्टीरियल एक ही। यह चूचों के एक तीव्र गति से फैलने वाला संक्रामक रोग है जिसमें भूख प्यास की कमी हो जाती है तथा सफ़ेद रंग के दस्त हो जाते हैं। चूजे इसमें चू चू की आवाज़ करते हैं। ये वास्तव में ये आपको इस तरह से जब आप वहाँ उन चूजों में जाते हैं तो वास्तव में ऐसा होता है, ये आवाज़ें करते हुए जो है घूमते हैं। चूचों में 50% से लेकर 100% तक मृत्यु हो जाती है। इसमें ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, तो इसीलिए ये डिजीजेज आपको पढ़ाई जा रही है। कारण अब ये साल्मोनेला पुलोरम नामक जीवाणु जनित रोग है, इसीलिए इसको पुलोरम कहते हैं। देखिए इसका नाम पुलोरम डिजीज इसीलिए, इसके साल्मोनेला पुलोरम जो बैक्टीरिया है ये जीवाणु है, जनित रोग है। ट्रांसमिशन इसका मुख्य रूप से रोग अंडों के द्वारा प्रसारित होता है, रोग ग्रसित चूजों के संपर्क से, कुकुटशाला के बिछावन, उसकी बीट, आहार व पानी के संपर्क से, हैचरी व अंडों के छिलकों से। रोगग्रस्त कुकट के चोंक मारने से, जिसको कैनिबलिज्म कहते हैं, कैनिबलिज्म एक दूसरे को चोंच मारना, जैसे आप लोग क्लास में बैठे होते हैं तो एक दूसरे को चोंच मारते हो, ध्यान में आ गया होगा, वो एक दूसरे को यूँ छेड़ना वो चोंच मारना ही है कैनिबलिज्म। तो ये कैनिबलिज्म चूहों व मच्छरों से, कुकुटशाला को देखने वाले व्यक्तियों से, इस रोग से ठीक हुई मुर्गी कैरियर वाहक का काम करती है। कैरियर मैंने आपको समझा रखा है कि कैरियर क्या है, वो उसका वाहक, रोग प्रदर्शित नहीं करता लेकिन उसका वाहक है उसमें है, तो वो जहाँ भी जाएगा फैलाएगा। तो अभी भी अब तो कोरोना ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये कैरियर है, लक्षण नहीं थे लेकिन घर में सबको वो प्रसाद दे गया। हमारे घर में, हमारे घर के पास में जो है वो डॉक्टर साहब रहते हैं मेरे मित्र, उनके जमाई आए, उनमें कोई लक्षण नहीं था, और ये देखिए वो सारे परिवार को कोरोना दे गए, और इवन जो डॉक्टर साहब थे उनको इतना भयंकर आया कि उनकी डेथ हो गई। ये मेरे पड़ोस की कहानी है। ये कैरियर, ये होता है कैरियर, ध्यान रखना। अब भी आप ये ध्यान रखना मिलते समय ये कोरोना से कि भाई ये इसके अंदर तो लक्षण है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो कैरियर हो सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो सकती है और वो कुछ दिन लेके उसको घूम सकता है, और हो सकता है उसके सिम्टम आए ही ना। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर आल्सो, ये मेरा खुद का ये देखा हुआ केस है, घर के पास में डॉक्टर है, तो उनसे हमने पूछा कि भाई कहानी कहाँ हुई, तो उन्होंने कहा वो जमाई हमारे आए थे और वो पॉजिटिव थे, सिम्टम उनके थे यानी बाद में 7 दिन बाद वो पॉजिटिव आए, और हमने वो घर में बिठा के उनके साथ बातें चीतें की, मिलते जुलते रहे, और वो सारा परिवार ही चपेट में आ गया,
और परिवार चपेट में नहीं आया, एक घर का मेंबर भी लॉस हो गया, जो एक बहुत अच्छा एनेस्थेटिक था गंगानगर के अंदर, तो वो खो दिया गंगानगर में। डॉक्टर नागपाल, मैं वो नाम भी बता देता हूँ, तो ये एक बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। इसमें लक्षण है, इसमें इनक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन है, ध्यान रखना। 4 से 10 दिन बाद लक्षण आना शुरू, वो उसके अंदर आपके शरीर में रहेगा, 4 दिन बाद में वो शो करेगा, तो उन 4 दिनों में कहीं ना कहीं लग गए ना तो चक्री में चढ़ जाते हैं। हैचिंग के तुरंत बाद 50% जो मर जाते हैं। पंखों का रूखापन, रफल, और ये नीचे झुके हुए एंड रफल। चूजे आंख बंद करके ब्रूडर में जल रहे बल्ब के नीचे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका करेक्टर, अंडरलाइन कर लो, बल्ब के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, ये है इसका वास्तव में, ये देखा है, हो जाते हैं। श्वास लेते समय हांफते हैं, लेबर्ड ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, और सफ़ेद चिकने दर्द, दस्त और चू चू की आवाज़। और इसमें हॉक जॉइंट व फैटलॉक जॉइंट, ये अब आपको पता ही है, हॉक जॉइंट और फैटलॉक जॉइंट जो है वो सूज जाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। पैर जो है उसके दोनों जगह से, हॉक जॉइंट और फैटलॉक जॉइंट, वहाँ से स्वेलिंग आ जाएगी उसमें। तो ये 3 लक्षण देखिए कितना गजब के हैं। एक तो वो बल्ब के नीचे इकट्ठे होंगे, सफ़ेद चिकने दस्त होंगे, चू चू की आवाज़ करेंगे, और ये दो सोजन पैरों में जॉइंट्स पे दोनों आ जाएगी, हॉक जॉइंट और फैटलॉक जॉइंट। वयस्कों में, मुर्गियों में क्या है, सुस्त हो जाती हैं, कॉम जो है उसका पीला नज़र आता है, पंख व सिर नीचे झुकाए रखते हैं, हरे सफ़ेद दस्त, अभी इसमें हरे और सफ़ेद दस्त है वही सेम, पंख बिखरे बिखरे हुए नीचे लटके हुए, रफल्ड एंड ड्रूमी ऑफ विंग, ड्रॉपी गिरे हुए नीचे, ड्रॉपी एंड रफल्ड। पक्षियों में जो है वो डिहाइड्रेशन और मृत्यु। तो इसमें डायग्नोसिस जो है, निदान जो है वो लक्षणों के आधार पर रक्त की जांच और सीरम ट्यूब टेस्ट। अब इसमें जो उपचार है वो बहुत अच्छा उपलब्ध है, क्योंकि ये बैक्टीरियल है, इसलिए समय पे अगर इसको उनको ये दवा घोल करके पानी में, वही दवा अगर पीने को दी जाए 5 से 7 दिन, तो ये लगभग 50% बच जाते हैं। नेफ्टीन, मुझे ऐसा लगता है ये नाइट्रोफिराजोन ही होना चाहिए नेफ्टीन में, बाकी आप देखेंगे, देख लेना, क्योंकि ये इन इसमें नाइट्रोफिराजोन जो है वो, या फ्यूराजोलिडोन या फ्यूराजिन, ये अच्छे कार्य किए हैं मैंने जब देखा है कि फील्ड के अंदर, जहाँ भी ये दवा हमने प्रेस्क्राइब की उन्हें जाके पिला दी तो रिजल्ट दिए कि भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये जो नेफ्टीन 800 ग्राम प्रति 100 किलो आहार में मिला करके, और इसको 100 किलो आहार में 10 दिन तक इसको देवे, मेरा तो लगता है कि मिली आहार में, ये क्लियर नहीं है क्या लिखा है इन्होंने, लेकिन 800 ग्राम आप उसको ले लें और 100 किलो आहार में उसको मिक्स कर दें, और वही उनको आप जो है दाना देवें। ट्राइमिथोप्रीम सल्फा है ये, वह सल्फा डायजीन, ये भी प्रोट्रीम तो नहीं है, बायोट्रीम तो आती है, और बायोट्रीम है ये, लेट वी सी, अगर ये, क्योंकि काफ़ी समय हो गया अब आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो ये देख लेता हूँ मैं। बायोट्रिम तो पड़ा है, इंजेक्शन आता है और ये वो इंजेक्शन होता है, तो ये बायोट्रिम ओरल के इस नाम से आती है, और वो भी रेनोवैक्सी का ही था, और ये मुख द्वारा। कितनी खुराक है इसमें,
एक ml जो है 2 से 4 लीटर पानी में 3 से 5 दिन ये दिया जाता है, तो ये सल्फा और ट्राइमिथोप्रिम दोनों है, ये भी अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छी। इसके बाद में आता है बैक्टीरियोसोल पाउडर, डोज 1 से 2 ग्राम पर लीटर, दिन में 2 बार, पानी में 5 से 7 दिन, वही सेम ट्रायो मिथोप्रिम वे सल्फा मिथोक्सोल। देखिए ये है सल्फा लेकिन वो अलग है, वो ट्राइमिथोप्रिम सल्फा डायजिन है, ये ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फा मिथोक्सोल है, तो दोनों में फ़र्क है। तो ये ओरिप्रिम पाउडर आता है, ये आता है कैडिला का, यस ओरिप्रिम, ओरिप्रिम पाउडर कैडिला का, ये 1 ग्राम 4 लीटर पानी में 5 से 7 दिन। मेटाप्रिम पाउडर वेटस्फर्मा का है, 12.5 ग्राम 10 लीटर पानी में 5 से 7 दिन। रोबाट्रान ग्रेन्यूल्स आते हैं, ये भी टीटी के कंपनी के, ये अच्छा रिजल्ट है, यूज किए हैं, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 5 दिन तक। और जेंट्रम ये सारा भाई का है, 0.5 से 1 ग्राम 2 लीटर पानी में 5 दिन। अब है फ्यूराजोलिडोन पाउडर अकेला, और आई थिंक नेप्टिन में फ्यूराजोलिडोन है या नाइट्रोफ्यूराजोन है, अब ये कन्फ्यूज्ड है, इसको देखना पड़ेगा। तो ये अच्छा नाइट्रोफ्यूराजोन जो है वो उसका और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है फ्यूराजोलिडोन पाउडर से। तो ये यहाँ फ्यूराजोलिडोन पाउडर दिया गया, इसमें वेट फ्यूरान के नाम से आता है, स्कॉर्बिड वेट्स का है। तो ये खुराक 1 टेबलेट 4 लीटर पानी में 10 से 12 दिन तक, ये सुरक्षात्मक यानी कि हो नहीं है बीमारी तो देते रहें बीच बीच में। ये 1 टेबलेट 1 लीटर पानी में 7 दिन तक ये उपचार, डोज बढ़ गए तो 1 लीटर पानी और 4 लीटर पानी, देखिए 1 लीटर पानी 10 जानवर पिए लगभग पिएंगे और 4 लीटर पानी 40 पिएंगे, तो देखिए ये खुराक बढ़ गई इसमें। अब है फ्यूरालिन, ये मैरिंड का है फ्यूराजोलिडोन, तो ये खुराक 250 से 500 ग्राम पर टन आहार में मिश्रित करते हैं। और प्रोफिडोन 200 सारा बाइक की है, ये 250 ग्राम 1 टन में आहार में मिलाकर जो है देती। प्रिवेंशन, कुक्कटशाला की पूर्ण सफाई का ध्यान रखें, संक्रमित अंडों का हैचिंग नहीं करें, रोगग्रस्त बिछावन आदि को जला दें, सुअर इस बीमारी का कैरियर वाहक है, इसमें अंडरलाइन आप जो कर लेना, मल्टीपल चॉइस में कई बार ये चीज़ दे दी जाती है कि इसका जो है वो इस बीमारी का प्लोरम का जो है कैरियर है, तो आप इसमें 4 दे सकते हैं, तो आप उसमें सुअर जो है वो विशेष इसका वाहक होता है, इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए वैक्सीनेशन तो हो नहीं सकती। आप इसमें जितने जानवरों को जितनी जल्दी निदान करके डायग्नोज करके आप उसको पहचान के दवाई दे सकते हैं, बस वही बचाव का एक आपके पास में साधन बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज है क्रोनिक रेस्पिरेटरी जो है डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी जो है वो डिजीज, इसको हम देख लेते हैं। ये रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है, तो इसमें ये रोग जो है वो माइकोप्लाज्मोसिस, इसको थोड़ा उधर लेके जाओ, इसमें आ जाए माइकोप्लाज्मोसिस, और इसमें दूसरा इसको PPLOB के नाम से भी जानते हैं। यह मुर्गियों का श्वास
संस्थान का दीर्घकालीन जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में मुर्गी को सूखी खांसी जो है वो इसको इसमें उतर लिया जाए, ये पूरा आएगा इसमें डिटेल, यार समझता नहीं है। ये मुर्गियों का श्वास संस्थान का दीर्घकालीन जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में मुर्गी को सूखी खांसी, हैंकिंग कफ और स्नीजिंग, छींकना तथा श्वास नली, ट्रेकियल, गुरुग्राहक, रेल्स आदि लक्षण दिखाई देते हैं। रेल्स आती हैं, गुरुग्राहट जब स्ट्रेथ लगाते हैं ना तो ये इस तरह की रेल्स आती हैं, गुरुग्राहट आती है उसमें, स्ट्रेथ में पता चलता है। स्नीजिंग, हैंकिंग कफ, सूखी। कारण एटियोलॉजी, ये माइको प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु रोग है, ये ध्यान रखना। विषाणु है या जीवाणु है ये ध्यान आपने रखना है, यह आपको जरूर पता होना चाहिए। लक्षण, इस रोग के लक्षण रानी खेत व आईबी नामक रोग से मिलते जुलते होते हैं। आईबी इन्फेक्शियस आईबी का इन्होंने फुल फॉर्म जो है वो यहाँ नहीं दिया है, चलो इसको देख लेते हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण, अभी आप इसमें यहाँ आ जाएंगे कोई ना कोई, चलते ही नहीं है, है ही नहीं इंटरनेट, तो नीचे देख क्या है, देख क्या था, इसको ले जा नीचे। तो पक्षियों द्वारा छींकना, खांसना, सो सो के गुरगुराहट की आवाज दूर से ही सुनाई देना, जब सांस लेता है ना पक्षी, तो जैसे आपने देखा होगा कभी कई बार दमे वाला व्यक्ति बैठा होता है गांव में, तो कोई ना कोई एक आधा मिल ही जाता है, वो यूं आवाज़ जो है वो घूम घूम की आवाज़ के साथ लेता है। मुंह खोल कर सांस लेना, नाक से स्राव आना, अंडा उत्पादन में कमी, आँखों का सूजना आदि। तो इसमें देखिए हमारे पास इसमें जो है रानीखेत डिजीज का, इसमें कौन सा रानीखेत डिजीज का इसमें कौन सा लक्षण आया, ऐसा तो कोई नहीं मिला। रानीखेत डिजीज से मिलते जुलते लिखा है इन्होंने, ऐसा तो नहीं है। चलिए ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसमें अंडों के माध्यम से, शरद ऋतु में सही वायु संचालन यानी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने के कारण, रोग से ठीक हुई मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखना, पक्षी के देह में कीड़े, विटामिन ए की कमी, असंतुलित आहार, वातावरण में नमी, ऋतु परिवर्तन आदि इस रोग में सहायक कारक होते हैं। ट्रीटमेंट में इसमें हम टाइलोसिन टार्ट्रीट, ये टाइलोसिन के नाम से ही आता है, तो ये आप इसमें डोज 1 ग्राम पर लीटर पानी में
उसके बाद में आता है रोवामाइसिन। रोवामाइसिन डोज ये जो टाइलोसिन की खुराक थी 1 ग्राम पर लीटर पानी में 24 से 72 घंटे। रोवामाइसिन खुराक 2 ग्राम पर 3 लीटर पानी में 3 दिन तक। और टायामुलिन ये भी 0.025% पानी में 3 दिन तक। ये वही नेफ्टिन फिर आ गया 0.04% आहार में 10 दिन तक। और लिंकोमाइसिन पाउडर, लिंकोमाइसिन इंजेक्शन भी आता है, लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, लिंकोमाइसिन पाउडर 1 ग्राम पर लीटर पीने के पानी में। और लिंकोमाइसिन फीड मिक्स ये भी पाउडर है, तो इसको आप 1 ग्राम को 1 किलो आहार में मिला सकते हैं, और जितने किलो आहार है उतने ग्राम आप उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। अब हमारे पास इसमें आता है बचाव, और इस बचाव में अंडों को टाइलोसिन के घोल अथवा अरिथ्रोमाइसिन के घोल में डुबोकर इनक्यूबेट करें। जब आप हैचरी में ले जाके जाते हैं तो बच्चों अंडों को रखेंगे ना वहाँ बच्चे निकालने के लिए, चूजे निकालने के लिए, तो आप उसको पहले ही या तो टाइलोसिन के घोल में या अरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, तो या अरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन भी एक ही बात है, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन इसके घोल में आप जो डुबो करके फिर ही इनको इनक्यूबेट करें, वहाँ इनक्यूबेटर में रखें। रोगग्रस्त पक्षी को फार्म से हटा दें, समुचित वायु संचालन फार्म पर रखें ताकि नमी नहीं रहे। कीड़ों की दवा समय पर दें, विटामिन ए पक्षियों को पानी में समय समय पर देते रहें। मुर्गियों में तनाव स्ट्रेस नहीं आने से ऐसा हो तो मिनरल जो है पानी पानी में दें, मिनरल्स जो आते हैं जितने भी वो आप क्योंकि जनरली ये मिनरल्स की ड्रॉप्स आती हैं, तो आप वो ड्रॉप्स से एक एक ड्रॉप भी पिला सकते हो, पानी में भी दिया जा सकता है। तो ये आज हमने 2 डिजीजेज कंप्लीट किए, तो इसमें एक दो जो बात रही तो मैं इसको देखता हूँ ये इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा गुम्बोरो डिजीज़, तो इसको हम दोनों डिजीज़ को, क्योंकि हमारे पास 6 ही डिजीज़ हैं, तो ये 2 डिजीज़ जो हैं नंबर 5th एंड नंबर 6th, ये दोनों फिर इम्पोर्टेंट हमारे पास, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू और गम्बोरो डिजीज़, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को हम कल इसमें अच्छी तरह से जो है वो पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच। 24 मिनट बस तो बहुत है, ये पूरा नहीं होना था आगे बढ़ा, ये लंबी है डिजीज इसलिए नहीं होगा, ये बड़ी लंबी है। अरे भाई तेरे से सर गया, मैं नीचे तो पासवर्ड मांग रहा है, अब ये खुल गया ना, ये तो खुला है, फिर पासवर्ड मांगता है वहाँ नीचे रहेगा, पासवर्ड ले गया वो आगे के बैठी। हाँ।